So, hello everyone. I am Dr. Sandeep Balan. I am anatomy faculty at DAMS. And this is my pleasure to introduce Dr. Saloni. She has passed this FMG exam. So, Dr. Saloni, heartiest congratulations. How are you? I'm all good, sir. Thank you. So, how is your feeling? कैसा लगा आपने जब रिजल्ट देखा अपना? सर इट वॉज वेरी मच लाइक पहले रिजल्ट से पहले थोड़ी एंग्जाइटी थी, लेकिन जब रिजल्ट देखा आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी. मैं इट वॉज अ मोमेंट ऑफ यू नो एलेट, मतलब काफी जॉयस मोमेंट था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी. तो आपने जिस ड्रीम का लेकर के स्टार्ट करा था, लाइक इट टुक सम टाइम, बट अभी आपने उसको पूरा कर लिया है अपने एफएमजी एग्जाम को पास करके. नाउ यू आर ए डॉक्टर, राइट? 4-5 ईयर्स बैक जब आप यहाँ से गए होंगे फॉरेन में पढ़ने के लिए, तब आपने एक सपना देखा था, राइट? तो अभी यस कैसा लग रहा है आपका और आपके फैमिली का, सबका वो जो ड्रीम है आपने पूरा करा? यस सर, लाइक माय पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी सुपर प्राउड आल्सो. यस, इट इज अ हैप्पी एंड प्राउड मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर टीचर्स, इवन वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सर, थैंक यू, यस, यू हैव मेड अस प्राउड, थैंक यू सर. एंड डेफिनेटली इट्स अ मोमेंट जब आपको एक इट्स अ वेल डिजर्व मोमेंट, आई विल से. अब आपके आपको देख करके बहुत सारे एफएमजी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत इंस्पायर होने वाले हैं, मोटिवेट होने वाले हैं कि हमें भी मैम की तरह अभी लाइक वी हैव टू क्रैक द एग्जाम, राइट? राइट सर, तो आपके जो जूनियर्स हैं या जो अभी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कैसे चाहिए? सो आई वुड सजेस्ट देम टू फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक गो हेड विद डांस, बिकॉज द काइंड ऑफ स्केड्यूल एंड द लाइक द मटीरियल डांस प्रोवाइड्स इज मोर देन सफिशियंट टू क्रैक दिस एग्जाम इन अ वेरी यू नो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. लाइक बिकॉज फॉर मी आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन 4 months अगो एंड दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड लास्ट ऑल्सो नाउ. जी, सो या सो विद द हेल्प ऑफ डांस आई वॉज एबल टू क्रैक इट. सो एंड डू स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क बोथ. सो मतलब सो यू आर गिविंग क्रेडिट टू डैम्स कि डैम्स के नोट्स ने आपको हेल्प करा. सो थैंक यू यस सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम डैम्स. आई एम रियली थैंकफुल दैट यू हैव व्हाट यू हैव सेड फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड लाइक कैसे आपकी जर्नी रही हमारे साथ, कैन यू प्लीज एनलाइटन लिटिल बिट? श्योर सर. लाइक आई ज्वाइंड डीएफएक्स कोर्स, एंड डीएफएक्स कोर्स इज लाइक दी डीएफएक्स एंड द पीवाईक्यू का बाप का जो कोर्स है आपका, दैट वाज लाइक द जिस्ट ऑफ द एवरीथिंग, लाइक एकदम वेरी कंसोलिडेटेड मैनर. तो वो सब कुछ ओके स्कैटर्ड था इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ गैदर्ड टुगेदर हुआ एंड देन आई अपेयर्ड फॉर सीबीटी बाय डैम्स. तो वो एकदम ओके रियल प्लेटफॉर्म की तरह से सिमुलेट किया एग्जाम को एंड इट गेव मी अ रियलिटी चेक. तो या सो द जिस्ट व्हाट यू आर सेइंग इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड. जो आपने बताया है कि जो बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको डीएफएक्स, पीवाईक्यूज एंड सीबीटी, स्टैम सीबीटी, ये तीन चीज जरूर करना होगा, राइट? यस अगर वो ये तीन चीज भी करते हैं तो अपने आप को काफी स्टेबल पोजीशन में ले जाते हैं, राइट? यस सर, और क्योंकि डीएफएक्स का जैसे आपने भी शेयर करा और भी बहुत सारे बच्चे कई बार शेयर करते हैं, अभी आपको जो डैम्स की आपकी इतनी बड़ी जर्नी में हम आपके साथ रहे, तो अभी आपको कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट या कोई पर्टिकुलर टीचर या कोई ऐसा कुछ याद आ रहा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? तो डेफिनेटली लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग द एनाटॉमी पार्ट, मेरी एनाटॉमी बहुत वीक है एंड थैंक्स टू यू कि आपने मैंने डीएफएक्स देखा और मेरे क्वेश्चंस वहां पे सही हुए. तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. या एंड दीप्ति मैम इज ऑलवेज अ यू नो मेंटर, लाइक शी इज द यस बेस्ट वन कैन गेट. सो ऑब्वियसली मच ग्रेटिट्यूड यस टू दैम्स. दैट्स ट्रू, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू टू से दिस. सो अभी सो व्हाट इज द प्लान? तो बस डांस ज्वाइन करना है और अब नीट पीजी की तैयारी करनी है. बहुत अच्छे, क्योंकि अभी हमें क्योंकि एक एक हर्डल पार हुआ है, अभी हमारा जो अभी एक ड्रीम का दूसरा हिस्सा बाकी है. इट्स लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस, राइट? सो इट इज गुड टू नो कि यू हैव रियलाइज इट. थोड़ा सा हमें सेलिब्रेट जरूर करना है क्योंकि दैट इज वेल डिजर्व, बट ऐसा नहीं कि अब हमें मतलब बस हो गया, नहीं, थोड़ा सा ही ब्रेक लेना है.
नाउ प्रिपेयर अगेन, राइट? और उसके बाद जब हम क्रैक कर देंगे नीट पीजी को भी, देन डेफिनेटली विल सेलिब्रेट, राइट? यस सर, अगेन विल सेलिब्रेट. सो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, है ना, इन द डैम्स क्लासेस, बट दिस टाइम इट विल बी नीट पीजी क्लासेस, राइट? यस सर, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा आपको देख करके. और थैंक यू. आपकी मम्मा बैठे हुए पास में, यस सर, शी इज माय मॉम. गुड इवनिंग सर. हमारी तरफ से आपको प्रणाम और आपको बहुत बहुत बधाई. आपकी बिटिया ने आपका और आपके पूरे परिवार का सपना साकार किया है. जी हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस. सर, सबसे बड़े बड़ी चीज गुरु होते हैं, गुरु गुरु और शिष्य. तो जहां गुरु गुरु इतने बड़े हैं सर, तो वहां तो शिष्य तो मेहनत करके निकल ही. अरे बहुत बहुत अच्छे विचार, यही आपने विचार डॉक्टर सलोनी को भी दिए हैं, और जिन्होंने जो भी दिखता भी है उनके पर्सनालिटी में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आपको सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट.